हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज देखिए हमारा यूपी ट्रिपल एस के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं अभी हमारा सितंबर में व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 है यानी कि हमारी यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर यूथ कल्याण अधिकारी की परीक्षा जो है उसके बाद हमारी वी की परीक्षा भी आ रही है नवम्बर में आर ओ ए आरो की परीक्षाएँ इन सब में हिंदी पूछी जाती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि हिंदी के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर कैसा आएगा क्योंकि हिंदी का शेयर बहुत ज़्यादा है इन एग्जामिनेशंस में फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं हंड्रेड मार्क्स तक के आते हैं तो अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हिंदी में मार्क्स इजीली ऑप्टेन किए जा सकते हैं और हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं ग्रामर होती है कटने के कोई चांसेस नहीं होते तो आप लोग हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते तो अगर आप इन सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा मेरे साथ आंसर करते चलिए फोर्टी फाइव क्वेश्चन मैंने डाले हैं अगर आपके थर्टी फाइव तक सही है तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है और आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं तो आप लोग देख लीजिए इस तरह का ही वहाँ पर पेपर पूछा जाएगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चनस आएंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा ये देखिए मेरा अनएकेडमी का लिंक है मैंने अनएकेडमी पर बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं तो ये मेरा अनएकेडमी का लिंक है आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए वहाँ पर मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं और मैंने फाइव कोर्सेज़ वहाँ पर डाले हैं जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे जैसे कि मैंने वहाँ पर इन्वायरमेंट की टेस्ट सीरीज़ भी डाली है एन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सीरीज भी डाली है जो लोग यूपी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट की चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी उसके अलावा वहाँ पर और भी चीज़ें हैं जोग्राफी के कोर्सेज डाल रखे हैं मैंने और आगे नए नए कोर्सेज लेके आऊँगी हर दो दिन में मैं एक कोर्स अपलोड कर ही देती हूँ तो आप लोगों को यू पी एस हो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो पी सी एस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन हो जिनके लिए आपको जी के जी एस पढ़नी है तो आप मुझे अनकेडमी पर मेरा ये लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और थैंक यू फ्रेंड्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है बाकी आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताकर मुझे सजेस्ट कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है गूंगे का गुड़ मुहावरे का क्या अर्थ है ये हमारा मुहावरा है गूंगे का गुड़ इसका हमें मीनिंग बताना है बहुत मीठा भूख लगना बात बिगड़ना अव्यक्त अनुभव तो आप लोग आंसर कीजिए मेरे साथ इसका आंसर हो गया हमारा अव्यक्त अनुभव ऐसा अनुभव जिसे हम व्यक्त ना कर सके जैसे गूंगा व्यक्ति अपना अनुभव व्यक्त नहीं कर सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है यहाँ पर जो हमारी ये मैचिंग है इनमें से कौन सी मैचिंग सही नहीं है विलोम शब्द की कदाचार दुराचार गौरव लाघव गरिमा लघिमा अभिज्ञ अनभिज्ञ तो इसका आंसर दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा कदाचार दुराचार क्योंकि दुराचार का जो विलोम होता है वो सदाचार होता है कदाचार नहीं होता क्या होता है सदाचार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग में निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द बताना है तो आप लोग स्पेलिंग देखिए स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं ये मिस्टेक वाले मैं इन सब की अलग अलग वीडियोस बना दूंगी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं हर टॉपिक से एक एक कोर्स बना दूंगी तो हमें यहाँ पे अशुद्ध शब्द बना बताना है आध्यात्म वागिश पर्याप्त संग्रह तो ये हमारा आध्यात्म यहाँ पर गलत है इसमें आपको स्पेलिंग देखनी है तो ये आप जितने ज़्यादा शब्द देखोगे उतनी ज़्यादा स्पेलिंग याद होंगे आप लोगों को यमुना का समानार्थी शब्द यानी कि हमें यमुना का पर्यायवाची बताना है देव नदी कालिंदी गिरा रागिनी तो यमुना का जो पर्यायवाची है वो कालिंदी है उसके अलावा अरकजा रवीजा रविजा कृष्णा ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समाज का उदाहरण नहीं है ये नहीं पे बहुत फोकस करना है नहीं वर्ड हमारा गलत करा देता है क्वेश्चन एक बार मार्क कर दिया फिल कर दिया फिर वो गलत हो गया आप उसे चेंज नहीं कर सकते तो इसलिए आपको नहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है तो इनमें से हमारा अव्ययी भाव समाज का उदाहरण कौन सा नहीं है दिनों दिन मन माना हर रोज यथाक्रम तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मन माना मन माना अव्ययी भाव नहीं है दिनों दिन का हर दिन इस तरह के विग्रह जो होते हैं वो भाव समाज के उदाहरण होते हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है तो यहाँ पर हमें बताना है से वाला जो है वो कौन सा है कर्म आपादान करण अधिकरण तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा आपादान अलग होने के लिए जब भी कोई चीज़ अलग होती है डिपार्ट होती है तो हम आपादान कारक का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है यहाँ पर हमें सही स्पेलिंग बतानी है स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महत्व 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 तो हमारी सही स्पेलिंग यही है हमें स्पेलिंग्स तो देखने से ही पता चलती हैं देखने से याद हो जाती हैं वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द अगेन ये वर्तनी का पूछा गया है अट्टालिका अट्टा अट्टालिका अट्टालिका अट का तो आप लोगों को पता ही है अट्टा का होता है सही शब्द तो ये वाला हो गया हमारा निम्नलिखित में से कौन से टा वर्ग में नहीं है इनमें से कौन सा टा वर्ग में नहीं है तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं ये इजी क्वेश्चन है हमारे वर्णमाला से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं टा ठा डा ढा तो ये तीनों एक वर्ण में एक वर्ण में आ गए तो धा धनुष इनके वर्ग में नहीं है लोकोक्तियाँ आ जाती हैं लोकोक्ति की मैं अलग से वीडियो बता दूंगी वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति इनकॉर्पोरेट कर दूंगी उस वीडियो में संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था तो इसके जैसी लोकोक्ति कौन सी है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख सेवा करे सो मेवा पावे साँच को आंच नहीं मन चंगा तो कठौती में गंगा तो ये वाला हो जाएगा हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब उन्हें कोई मंदिर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वहीं पे उनका उद्धार हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है भारत में अनेक जातियाँ हैं भारत में अनेक जाति हैं भारत में अनेकों जाति हैं भारत में अनेकों जातियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लीजिए हर बार आता है इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अनेकों प्लूरल नहीं होता है अनेकों शब्द हमेशा रॉन्ग होता है तो ये हो जाएगा हमारा भारत में अनेक जातियां हैं अनेक मतलब एक से ज़्यादा तो उसके लिए डायरेक्टली हम अनेक शब्द होता है अनेकों नहीं होता अनेकों हमेशा रॉन्ग होता है और अनेक प्लूरल होता है तो इसलिए जातियाँ आएंगी निम्नलिखित में से निजिन बरसत नैन हमारे यहाँ पर हमें रस बताना है इसमें कि कौन सा रस है व्योग करुण रस रौद्र रस अद्भुत रस तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस हो गया क्योंकि वहां पर वियोग में वो लोग रो रहे हैं मेरे तो गृधर गोपाल दूसरा नकोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई तो इसमें हमारा कौन सा रस है करुण रस शांतरस श्रृंगार रस, रस हास्य रस तो यहाँ पर श्रृंगार रस है क्योंकि उनकी सुंदरता के बारे में वर्णन कर रखा है जिनके सिर मोर मुकुट तो इस तरह से हमारा श्रृंगार रस आ जाएगा अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है अंक शब्द के जो अनेकार्थी शब्द हैं मतलब इसके पर्यायवाची बताने हैं संख्या पृथ्वी संख्या गोद नाटक का एक भाग तो ये पृथ्वी अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है बाकी संख्या गोद नाटक का एक भाग ये सब अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है अब पंच के देखने हैं हमें निर्णय करने वाला पाँच ग्राम सरपंच पंचानन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पंच जो निर्णय करते हैं गांव में वो भी होते हैं पंच उन्हें भी पंच कहते हैं पाँच को भी पंच कहते हैं ग्राम सरपंच को भी पंच कहते हैं तो ये पंचानन इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए मतलब जो और शब्दों से अलग हैं उनका हमें चयन करना है ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस में आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं जैसे व्यथा पीड़ा संकट दर्द तो इसमें सबसे अलग कौन सा है संकट है हमारा व्यथा पीड़ा और दर्द एक जैसे हैं संकट अलग हो गया नेक्स्ट है हमारा द्वेष स्नेह अनुराग प्रीति तो इसमें हमारा द्वेष अलग हो गया स्नेह अनुराग प्रीति इन सब का मतलब क्या होता है प्रेम से रिलेटेड है ये तो द्वेष हमारा अलग हो गया उगना जन्म मृत्यु उत्पादन तो इसका मृत्यु गलत हो जाएगा मृत्यु अलग है इसमें उगना जन्म उत्पादन ये सब एक जैसे हैं शूर वीर निडर डरपोक तो इसमें जो डिफरेंट है शूर वीर निडर ये सब एक जैसे शब्द है डरपोक अलग है डरपोक के कायर के लिए है बाकी सब हमारे वीरों के लिए पितृ अनुमति की संधि निम्नलिखित में से कौन सी है अब ये पितृ अनुमति वर्ड ये संधि आपको पढ़नी होगी बहुत सारे टाइप्स होते हैं संधि के तो इनमें से नया वर्ड पित्र अनुमति को मिलकर क्या बनेगा ये बन जाएगा पितृनुमति या पितृनुमति पितनुमति पित्रानुमति तो इसका आंसर है हमारा पितृनुमति मीठा शब्द में जातिवाचक संज्ञा बनेगी अब हमें जातिवाचक संज्ञा बनानी है मतलब किसी पर्टिकुलर जाति को वो इंडिकेट करती है जातिवाचक संख्या जो होती है वो पूरी एक जाति को इंडिकेट करती है जैसे हो गया हमारा अध्यापक तो पूरी अध्यापक जाति को इंडिकेट कर रही है प्रोफेसर ये सब हमारी जातिवाचक संख्या है संज्ञा है आस प्रत्यय के योग से अगर हम आँस लगा देंगे तो मिठास बन जाएगा मिठास क्या होता है कोई जाति है मिठास नहीं मिठास एक भाव है तो ये पहला गलत हो जाएगा आई आई प्रत्यय के योग से आई से क्या बनेगा हमारा मिठाई तो मिठाई हमारी एक जाति होती है हो पूरी मिठाई वर्ग को हम वो करेंगे इंडिकेट तो मिठाई हमारी एक जातिवाचक संख्या बन जाएगी मीठापन नहीं उपयुक्त सभी नहीं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके साथ एक सा व्यवहार करना के लिए उचित मुहावरा है यहाँ पर मुहावरे भी पूछे जाते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा एक लाठी से सबको हाँकना आटे के साथ घुनभी पिसना सावन हरे ना भादो सूखा तो इसका आंसर यही हो जाएगा एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना सबके साथ जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वो कहलाते हैं अब हमारे इस तरह के पूछे जाते हैं शब्दों के टाइप बहुत पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज तो इसके मैं सबके ही गुण बता देती हूँ आपको तत्सम शब्द वो होते हैं जो चेंज नहीं होते जो अपने संस्कृत की ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तद्भव शब्द वो होते हैं जो अदर लैंग्वेजेज से होकर संस्कृत से होकर प्राकृत में जाते हैं फिर चेंज हो जाते हैं मतलब जैसे मतलब हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ओरिजिनल संस्कृत वर्ड थे उन्हें चेंज हो गए हैं वो हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं देश शब्द इन शब्दों का हमें पता नहीं चलता ये कब उत्पन्न हुए थे ये आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं जैसे लोटा शब्द हो गया तो इसकी हमें उत्पत्ति का नहीं पता है तो ये हमारे देश शब्द हो जाएंगे जिनका स्रोत नहीं पता होता विदेशी शब्द जो हम बाहर की भाषाओं से लेते हैं जो बाहर के शब्द होते हैं जैसे कि अरबी शब्द फारसी शब्द इंग्लिश के शब्द जैसे ऑफिस तो वो हमने बाहर की भाषा से लिया है तो वो हमारे विदेशी शब्द हो गए नेक्स्ट है हमारा वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की डैश है प्रस्तुत वाक्य में खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड भी पूछ लेते हैं कि हमें ये शब्द डालना है यहाँ पर तो वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की क्या हो सकती है अपेक्षा आशा आशंका संभावना तो इसका आंसर हो जाएगा आशंका बारिश न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्वनि है इस तरह से ध्वनि से भी क्वेश्चन आता है तो ये आप टॉपिक्स देखते चलिए कौन कौन से टॉपिक से आता है त श तो इसमें हमारा ऊष्म जो है वो श है जितने भी श होते हैं श श शा, शा, शा और हा। ये चारों हमारे ध्वनि वाले शब्द हैं ध्वनि वाले व्यंजन हैं चतुर्दश शब्द में समास का प्रकार चतुर्दश में समास बताना है हमें कौन सा समास है अव्यय भाव दिगु द्वंद तत्पुरुष तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दिगु समास हो जाएगा दिगु समास में क्या होता है जो भी काउंटिंग होती है नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारा दिगु समास आता है जैसे त्रिमूर्ति इस तरह के चौराहा तो इन सब में हमारा दिगु आ जाएगा आभूषण आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है अलंकार विभूषण भूषण हार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हार आभूषण का मतलब क्या होता है अलंकार जो हमारे गहने होते हैं विभूषण जेवर भूषण ये सब होते हैं हार नहीं होता स्पेसिफिकली तद्रूप में संधि के प्रकार संधि के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वर गुण स्वरयण व्यंजन विसर्ग तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वर गुण संधि अब ये दो एक जैसे वर्ड दिए हैं इनके अर्थ बताने हैं जरा और जरा शब्द युग्म का सही अर्थ है तो थोड़ा पढ़ने में डिफरेंस है जरा जरा तो इसमें हमारा क्या क्या है थोड़ा बुढ़ापा कुछ थोड़ा बुढ़ापा थोड़ा थोड़ा कुछ तो मतलब जरा का मतलब होता है थोड़ा सा जरासा कहते हैं ना हमें जरा सा सामान दे दीजिए और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा तो ये हमारा पूरा आंसर वन हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है मतलब कहाँ पर इनमें से बेउपसर्ग गलत लगाया हुआ है बेफिक्र बेफिजूल बेचारा बेरोटोक तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेफिजूल फिजूल तो वैसे ही बिना मतलब ये एक दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएंगे बे का मतलब भी ये होता है बिना फिजूल में तो बेफिक्र बिना फ़िक्र के बिना फालतू में फिजूल और बे एक जैसे शब्द हैं बेचारा बेरोक टोक ये सही है। वह तो विभीषण निकला रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार बताइए तो यहाँ पर हमारी कौन सी संज्ञा होगी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग है काफ़ी तो अगर आपको संज्ञा आती है आप तभी कर पाएंगे ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके आंसर और अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा दूंगी लेकिन ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना है नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध छाटिए यहाँ पर जो गलत है वो हमें बताना है गुंजन सडगत सन्यासी संचय तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सन्यासी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है सन्यासी वर्ड सन्यासी में न के साथ ऊपर अंकी बिंदी भी आती है ऐसे स न या सी ऊपर अंक की बिंदी भी आएगी सन्यासी में दूसरों पर उपकार करने वाला ये अनेकार्थी शब्द आते हैं मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन उपयुक्त कौन सा शब्द होगा आज्ञाकारी उपकृत कृतज्ञ परोपकारी तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकारी दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी निम्नलिखित में से शुद्ध छाटी अब यहाँ पे हमारा शुद्ध क्या है आयुष्मान 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 और आयुष्मान चारों आयुष्मान है लेकिन हमें देखना है कैसे लिखा जाता है तो ये हमारा सही होगा श वाला श आता है हाफ वो भी आधा और पीछे न के पीछे ये हलंत नहीं आता इस तरह से हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है ये मुहावरे फिर पूछा गया है हाथ के मैल का क्या अर्थ है कीमती वस्तु तुच्छ वस्तु गंदी वस्तु बेश कीमती वस्तु तो इसका आंसर हो जाएगा तुच्छ वस्तु कहते हैं पैसा हाथ का मैल है तो मतलब पैसे को तुच्छ बोला गया है पावक का संधि विच्छेद है यहां पर हमें पावक को संधि विच्छेद करना है तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं तो ये बताइए आपको पो प्लस अक प प्लस अक प्लस अक प प्लस अक तो इसका हो जाएगा हमारा प प्लस अक यहाँ पे हमारा जो वो बना है आव आव होता है ना आव बना है हमारा संधि हो के क्या शब्द आया है आव तो आव हमारा जब बनता है जब ओ की मात्रा जुड़ती है अ तो वहाँ पे हमारा आव शब्द बनता है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अब कलम तोड़ना ये इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजिंग भी होता है तो ये आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना अपना संबंध तोड़ना लिखे हुए को काट देना बहुत अच्छा लिखना तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहुत अच्छा मतलब कलम तोड़ दिया है उसने लिख लिख के बहुत अच्छा लिखा है नैन शब्द का संधि विच्छेद इसका बताना है हमें नैन शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस आयन ना प्लस आन ने प्लस आयन तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ने प्लस आयन त्रिभुज शब्द में समास ये मैंने आपको पहले भी ऊपर भी बता दिया इस तरह का समास कहाँ पर आता है त्रिभुज शब्द द्वंद्व समास बहुप्रीह भाव समास दिगु समास तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिगु समास काउंटिंग के लिए दिगु आता है तो त्रिभुज हमारी काउंटिंग है तीन भुजाओ तीन भुजाएं तो ये हमारा हो जाएगा दिगु समास निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल फॉर्म में हो संस्कृत वाली फॉर्म में और तद्भम शब्द जो चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा आम्र आंख आंसू ईंट तो हमारा कौन सा हम डेली भाषा में नहीं बोलते इनमें से आम्र नहीं बोलते आम्र की जगह हम आम बोलते हैं तो आम्र है हमारा तत्सम शब्द नेक्स्ट है दानवीर में कौन सा समास है दानवीर का हमें समास बताना है बहुब्रीही अव्यव द्वंद तत्पुरुष तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष तत्पुरुष समास में विशेषण विशेष्य की वो होती है रिलेशनशिप होती है आगे विशेषण पीछे विशेष्य है तो ये हमारा दानवीर तत्पुरुष समास हो जाएगा चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है यहां पर हमारा लोभ व्यर्थ प्रतिष्ठा लज्जा तो पानी की तरह रुपया बहा रहे हैं तो व्यर्थ में रुपया बहाते हैं इसका हो जाएगा हमारा व्यर्थ उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप है अब उज्जवल कैसे लिखा जाता है देखिए आधा जा पूरा जा व उज्जव हो जाएगा ये तो ये उज्जवल हो जाएगा ये उज्जवल उज्जवल तो अब इन दोनों में से देखना है तो ये हमारा उज्जवल ऐसे लिखा जाता है पहले आधा जा फिर पूरा फिर दोबारा आधा जा तो उज्जवल हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये इंपॉर्टेंट है जनरली लोग गलत कर देते हैं लोगों को लगता है संस्कृत से हुई है हिंदी की उत्पत्ति कहा से हुई है लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत शौर सेनी अपभ्रंश मघई तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शौर सेनी अपभ्रंश ये वाला संस्कृत से नहीं कहते शौर सेनी अपभ्रंश से सत चैन का संधि विचे चैन का संधि विच्छेद कीजिए संधि विच्छेद वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तो इसके ऑप्शंस देखिए सत प्लस चैन हलंत वाला सत प्लस चैन सद प्लस चैन सम प्लस चैन तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत प्लस चैन सत चैन फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है देखिए मैंने ट्वेंटी मिनट्स में ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स में आप लोगों के फोर्टी फाइव क्वेश्चन करा दिए डिटेल में समझा दिए तो इस तरह की आपको वीडियोज और चाहिए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जो भी लोग यूपी ट्रिपल एस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और और भी अदर एग्जामिनेशन जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सबके लिए आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अगर चाहते हैं मैं पर्टिकुलर कोर्स लेकर आऊँ तो मैं लेकर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स और अगर आपके कोई भी सजेशन्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा अन अकेडमी का लिंक फॉलो करना ना भूलिएगा आप लोगों के लिए अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैंने इवन इकोनॉमिक्स के एन के नोट्स भी डाले हैं एन बेसिक्स है हमारी एन अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वहाँ पर मैं पूरा एन का सिलेबस भी कवर कराऊँगी और साथ में इस चैनल पर तो मैं आप लोगों को अपना कंटेंट प्रोवाइड कराती ही रहूँगी तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स